कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। नंग धड़ंग। तो आज है हमारी खुशी का दिन, क्योंकि आज है मेरे बड़े बेटे का बर्थडे और वो अभी सुबह ही सुबह उठ गया है। हमने उसे सुबह ही सुबह गुड मॉर्निंग के साथ साथ हैप्पी बर्थडे बोला है और उसको हमने दी है चॉकलेट। पीयूष इधर आ जा। देखिए, हमने इसे चॉकलेट दी है और चॉकलेट खा रहा है। हेलो करो। जोर से बोल। कैसे? हैप्पी बर्थडे। तो गाइस, इसे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। अब हम शाम को छोटी मोटी इसका केक काटेंगे, ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं करेंगे, क्योंकि 8-10 दिन बाद मेरे दूसरे बेटे का है। हमने उसकी पार्टी के बारे में सोचा है, इसका नहीं करेंगे। फिर भी केक वेक काट देंगे, बच्चों को दे देंगे, जो भी करना है करेंगे, आपको दिखाएंगे ज़रूर। और जो भी छोटा मोटा करेंगे देखेंगे, आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप लोगों को भी शामिल करेंगे। तो आप ज़रूर इसको आशीर्वाद दीजिएगा ढेर सारा। और ये तीनों बच्चे चॉकलेट खा रहे हैं। ये अभिनव भी खा रहा है। अभिनव हमेशा नंगा धंगा रहता है, अभी अभी खा रही है। अभी हम इनको तैयार करके नहला धुला के स्कूल भेजेंगे, क्योंकि स्कूल से छुट्टी मारना अच्छी बात नहीं है। छुट्टी स्कूल जाएगा ना? हाँ, स्कूल जाएगा। बर्थडे तो शाम को है ना? ठीक। टॉफी बांटूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में। इनको चाय नाश्ता दे देते हैं हम, फिर नहलाएंगे धुलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी स्कूल जा रहे हैं बच्चे। और आज मैंने पीयूष की पसंद के बना के दिए हैं पराठे, आलू के पराठे, उसे बहुत पसंद है। तो आज उसका बर्थडे है, तो पीयूष को पीयूष के ही पसंद के बनेगी सब चीज़ शाम तक। तो देखिए, बच्चे जा रहे हैं स्कूल। देखिए, वो जा रहे हैं, रिया के पापा छोड़ने जा रहे हैं। और ये छोटा वाला अभिनव भी जाता है, ये इनको छोड़ने जाता है ज़रूर, फिर अपने स्कूल जाता है। बाय। तो आज जो जो पीयूष बताएगा वही बनाएंगे हम, शाम को भी वही बनाएंगे जो पीयूष बताएगा, जो उसका फेवरेट होगा। तो इसीलिए मैंने अभी तो उसको आलू के पराठे फेवरेट थे, तो आलू के पराठे बना के दिए हैं सुबह सुबह। तो वो स्कूल लेके गया है लंच में और रो रहा था कि मैं टॉफ़ी लेकर जाऊँगा, टॉफियाँ बाँटूँगा अपनी क्लास में, तो इसलिए रो रहा था। तो उसके पापा ने टॉफियाँ भी दिलवाएंगे रास्ते में से, तो पैसे ले गए हैं, टॉफियाँ दिला देंगे, तो वो बांट देगा जितने भी बच्चे होंगे क्लास में उसके। तो चलिए, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, हम भी चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो रिया के पापा छोड़ के आ जाएंगे, तो हम भी साथ में चाय नाश्ता करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है 12 बज गए हैं। मैं अभिनव को भी ले आई हूँ और मेरा सारा काम निबट गया है। सुबह से लाइट भागी हुई थी, 9 बजे लाइट भाग गई थी और अभी आई है लाइट। तो काम मेरा सारा हो गया, निपटा लिया मैंने। नहा भी ली हूँ मैं, अभिनव को मैं ले आई हूँ। अभिनव पढ़ने बैठ गया है आते खनी। अभिनव पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। देखिए, मैं दिखाती। देखिए, होमवर्क करने बैठ गया है अभिनव। अभिनव हेलो कर दो। अभिनव पढ़ना बैठ गया है, होमवर्क कर रहा है अभिनव एकदम मस्त। इसने आते खनी मेरे से बोला, पहले ठंडा पानी दो, फिर मैं होमवर्क करूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज है मेरे बेटे का जन्मदिन सुबह ही सुबह, तो मैंने आज मैं उसी के पसंद का खाना बनाने वाली हूँ। तो सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे, वो भी उसी की पसंद थे। और अब मैं बनाऊँगी शाम को बनाऊँगी मैं छोले भटूरे। तो देखिए, छोले मैंने निकाल लिए हैं, छोले भटूरे भी उसी की पसंद है। उसने कहा था कि छोले और भटूरे बनाना शाम को मम्मी, मेरे बर्थडे वाले दिन। तो मैंने कहा चल ठीक है, छोले भटूरे बना देंगी। तो हम छोलों को धो लेते हैं। छोले धो लेंगे तो हम जो भी पानी इसमें डालेंगे वो उसी के सही से हम उबलना रख देते हैं, तो इसलिए हम छोलों को पहले धो लेते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है फ्रेंड्स, तो मैं अपने छोले इसमें जड़ में डाल देती हूँ। मैंने साफ कर लिया है अच्छी तरह से, धो के इन्हें फूल जाएंगे, जो आसानी से फूल जाएंगे शाम के 6 बजे तक, क्योंकि शाम के 6 बजे ही मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो सारे छोले हम इसमें डाल देते हैं और बेटे की पसंद का खाना बनाएंगे, क्योंकि भैया बेटे का बर्थडे है, तो उसने अपनी फरमाइश की है, तो फरमाइश को भी पूरी करना बनता है। ठीक है, तो चलिए, हमने कहा चल भाई तेरी फरमाइश, उसका हम मनाएंगे बड़ा, तो इसीलिए हम इसका छोटा ही मनाएंगे। तो घर
ही केक काट लेंगे, बच्चों को दे देंगे। हाँ तो केक भी मिलेगा। तो हम एक मतलब 10-12 दिन में दो पार्टियां नहीं कर सकते, तो इसीलिए फ्रेंड्स इसीलिए जो है हम बड़े वाले छोटे बेटे का बर्थडे मनाएंगे बड़ा, तो वो भी हम आपको उसका भी ब्लॉग शेयर करेंगे। हाँ जी, बटन में लग गया। क्या लग गया? बटन पता। चलो क्या दिखा रहा है अभी न, पता नहीं। बटन में लग गया। क्या लग गया? बटन में लग गया। हाँ हाँ होने दे, लाइट चार्ज हो रही है तो अभी न बता रहा है कि लाइट में लग गया। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं शाम के 6 और बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। देखिए पीयूष रेडी हो रहा है, रिया ने वैसे कपड़े पहने हैं नॉर्मल जो घर के पहनती है, नए हैं ज़्यादा पुराना नहीं है। और देखिए मैंने छोले उबलने रख दिए हैं, ये चढ़ा दिए मैंने छोले। अब मैं छोले भटूरे बनाऊँगी बच्चों के लिए, तो मैंने छोले उबलने रख दिए हैं बच्चों को, अब मैं तैयार कर देती हूँ। एक सोया पड़ा है अभी ना, उसको भी मैं जगाऊंगी, उसको भी तैयार करूंगी, मैं भी रेडी हो जाऊंगी। तो छोटा सा ही केक काटेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। देखिए अभिनव सो रहा है, अभिनव सो रहा है तो अभिनव को भी हम जगाएंगे और उसके बाद हम जो केक कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले फटाफट मैं बच्चे तैयार कर देती हूँ, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर जो हम केक। गाइस पीयूष तैयार हो चुका है, बच्चे तैयार हो रहे हैं, रिया भी तैयार है, अब हम केक कटिंग करेंगे। केक कटिंग करेंगे। देखिए हमने ज़्यादा बड़ा नहीं मनाया है और ये हमारे तो मैंने कर लिया है टीका पीयूष का, अब पीयूष के पापा कर रहे हैं टीका। तो पीयूष के पापा टीका कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा वीडियो बना ले, फोटो खींच रहे हैं। तो पीयूष के पापा ने भी कर लिया है। अब ये हमारी किराएदारनी है, ये आई है, ये टीका कर रही हैं इसका, पीयूष का। तो टीका वीका सब ने कर लिया है, ज़्यादा नहीं बुलाया था हमने किसी को भी। तो सर तिलक विलक हो गया है इसका, अब हम केक कटिंग करके इसका केक बांट देंगे सबको, बच्चों को। तो बच्चों को दे देंगे हम केक। तो केक हमने बांट दिया है गाइस, बच्चे ले गए हैं केक और बहुत ही खुश हुए और सबने खा लिया है, हमने भी खा लिया है। तो हमारे छोले बनकर रेडी हो गए हैं, देखिए छोले मेरे बन गए हैं, देखिए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे। तो भटूरे मैंने आटा पहले ही लगा कर रख लिया था 5 से 6 घंटे। तो भटूरे बनाने जा रही हूँ, तो भटूरों की लोइयाँ बनाऊँगी मैं पहले, उनको आधे घंटा पहले रखना पड़ता है। तो चलिए अब हम भटूरों की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे भटूरे छोले बन गए हैं, अब हम खाने जा रहे हैं। देखिए प्लेट हमने लगा ली है, देखिए, और ये सलाद की प्लेट है। तो सलाद भी और भटूरे साथ साथ खाएंगे हम। तो अभी टाइम काफ़ी हो गया, तो पहले खा लेते हैं फटाफट, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी छोटी सी पार्टी। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने, क्योंकि हम अपने छोटे वाले बेटे का मनाएंगे बर्थडे, तो इसलिए हमने इसका खाली केक काटा था बस। तो बस 2-4 बच्चों को हाथ पर रख दिया था और हमने अभी छोले भटूरे बनाए बच्चों के लिए। तो बच्चों ने खाए हैं बड़े शौक से और बच्चे खुश हो गए हैं एकदम छोले भटूरे खा कर। तो बस यही था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, और आगे जैसा प्रोग्राम होगा वो हम आपको आगे दिखाएंगे अगले ब्लॉगों में, आने वाले ब्लॉगों में। तो चलिए फ्रेंड्स मैं नहा धो रही हूँ, मैंने खाना वाना खा कर निपट गई हूँ, नहा भी रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे बिना नहाए नींद नहीं आती है रात को। मैं जब तक नहाती नहीं हूँ मुझे नींद नहीं आती है, गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है, ठंडी में तो रह भी जाती हूँ लेकिन गर्मियों में बिना नहाए मैं रह ही नहीं पाती, सोती नहीं हूँ।
नींद ही नहीं आती है। तो चलिए अब हम सोने जा रहे हैं, थोड़ी देर टीवी वीवी देखेंगे। और बारिश हो रही है काफ़ी बाहर, तो बाहर वो कहीं निकल तो सकते नहीं, तो थोड़ी देर टीवी वीवी देखेंगे फिर हम सो जाएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें फ्रेंड। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम भी मेहनत करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।